मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। दोस्तों मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, HSC आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती से रिलेटेड एक कुछ नई अपडेट निकल के आ रही है। तो आपकी जो सुनवाई है वो 2 सितंबर को होनी थी, वो होगी या नहीं होगी या फिर आपको दिसंबर तक इंतज़ार करना पड़ सकता है, इस पर एक बड़ी अपडेट आप सभी के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही क्या बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये आप ऑर्डर देख सकते हैं, ये मैंने हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जो नोटिस का सेक्शन है वहाँ से डाउनलोड आपका किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपकी 2 सितंबर की डेट है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये आप दे सकते हैं, यानी जो ये डेट है वो नेक्स्ट डेट है उनकी हायरिंग की, 3/12/2021 करी गई है। तो इसमें क्या है, जो आपका केस है 2 सितंबर वाला, तो उस पर अगर बात करें कि आपका सितंबर में सुनवाई होगी या फिर आपकी दिसंबर में सुनवाई होगी, तो इन्होंने क्या कहा गया है कि ऑल दी केसेज ऑलरेडी फिक्सड एंड लिस्टेड 1/9/2021 से लेकर 30/9/2021 शैल बी अर्जेंट बाई NIC फीचर डेट मेंशन हेयर दी अंडर। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑलरेडी जो फिक्स है पहले से फिक्स है उनकी जो सुनवाई है वो आपकी आगे इसमें कर दी गई है। तो आपको क्या है, इसमें आपको इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर आपकी जो 2 सितंबर को सुनवाई होगी, तो इसमें क्या है आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपकी सुनवाई है वो 2 सितंबर को ही होगी। ठीक है, इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें क्योंकि ये जो इस तरह का नोटिस था एक बार पहले भी साइट पर आया था और आपकी सुनवाई है वो टाइम पर हुई थी, तो उससे रिलेटेड भी आप दे सकते हैं कि आपकी सुनवाई है वो टाइम से होगी। और ये जो नोटिस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी तारीख का है, यानी आप देख सकते हैं 27 तारीख का नोटिस है ये आपका, 27 तारीख को ही आपकी सुनवाई हुई थी और 27 तारीख को ही आपको आगे की जो डेट दी गई थी आपकी 2 सितंबर। तो यानी अगर आगे सुनवाई आपकी इस नोटिस के हिसाब से होनी थी तो आपका जो डेट है वो आपको दिसंबर की ही डेट है यहाँ पर दिखानी थी, तो इस वजह से क्या है आपकी सुनवाई है वो 2 सितंबर को ही सुनवाई आपकी की जाएगी। आपको ज़्यादा चिंता करने की बात है नहीं, और मैं आपको भी क्या है जो आपका केस डिटेल है वो भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि उस पर आपकी क्या डेट है अभी शो हो रही है। मैंने आपकी साइट ओपन कर ली है, तो यहाँ से आप केस स्टेटस चेक करते हैं और अभी वो केस आपकी डिटेल है वो चेक करते हैं कि उसमें क्या शो हो रहा है। इसमें डाल देते हैं सारे केस नंबर आपके जो है और सर्च करते हैं, तो ये आपका सर्च हो रहा है, ये देख सकते हैं आपकी जो डेट है वही डेट यहाँ पर शो हो रही है, यानी 2 सितंबर आपकी डेट यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यानी 2 सितंबर को ही आपकी सुनवाई होगी। ठीक है, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये जो नोटिस इस तरह का नोटिस है पहले भी आया था, उसमें भी बोला गया था कि आपकी जो सुनवाई है वो आगे की जाएगी, परंतु क्या है आपकी सुनवाई है वो जो टाइम आपको दिया गया था उसी टाइम पर आपकी सुनवाई इसमें की गई थी, यानी इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं किया गया है। अगर कोई चेंज होता है तो आपको क्या है दोबारा से सूचित है कर दिया जाएगा। अभी तक की ये जो अपडेट यही है कि आपकी सुनवाई है वो टाइम पर ही होनी है, और अभी आप देख सकते हैं केस का स्टेटस आपका अभी भी पेंडिंग है। जो आपकी सुनवाई हुई थी 27 तारीख वाली, तो उसमें क्या है जो आपका मेन जो मुद्दा बना रखा है ना, वो उस मुद्दे पर आपकी सुनवाई थी, जो एक जो PFLE सेंटर था वहाँ पर क्या है कुछ कैंडिडेटों को जो 250 कैंडिडेट बताए गए थे उसमें, तो उनको अलग से जो पेपर आपका दिया गया था तो उस पर मुद्दे पर बहस की गई थी। और आगे देखते हैं 2 तारीख को किस मुद्दे पर बहस की जाती है या वो ही मुद्दे पर आगे उस पर बहस चलती है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सुनवाई है वो 2 तारीख को ही होगी, और जिस हिसाब से आपको जल्दी जल्दी डेट दी जा रही है और जितनी ज़्यादा इससे केस को लेकर बहस होगी उतनी ही जल्दी क्या है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी बहस होगी उतना ही केस जो है वो क्लियर होता जाएगा, तो आपको क्या रिजल्ट को लेकर भी जल्दी ही खुशखबरी मिल सकती है।
यही अपडेट थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अगर अपडेट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही क्या बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। और इस चैनल पर क्या है, आपको बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दी जाती है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।